दोस्तों अपनी रिसेंट वीडियो में मैंने Huawei Nova सीरीज़ के 3 फ़ोन्स के बारे में बात करी थी और उसमें से Huawei Nova 5 Pro की डिटेल्स मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे Huawei Nova 5 के बारे में, जानेंगे क्या क्या खास फीचर मिल रहे हैं इस फ़ोन पे, क्या हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या हैं इसकी प्राइसिंग और कैसा है ये हाई एंड मिड रेंज स्मार्टफोन। दोस्तों मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हो गैजेट्स इन टेक्नोलॉजी चैनल को। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, उसके बाद में जो बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर दबाना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों यहाँ पे नोवा सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर है और धीरे धीरे कंपनी अलग अलग फ़ोन इसमें ऐड करते हुए जारी है। यहाँ पे Huawei Nova 5 एक अच्छा स्मार्टफोन है और फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं इस फ़ोन पे। अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.39 इंचेस का OLED डिस्प्ले मिलता है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। साथ में आपको बीच में नॉच मिलती है डिस्प्ले के, उसके अलावा 19.5:9 का आपको एस्पेक्ट रेशो मिलता है। इस फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं सिमिलर है दोस्तों Huawei Nova 5 Pro के, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोसेसर थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे लेटेस्ट चिप आपको मिलती है Huawei की इन हाउस हाई सिलिकन Kirin 810 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है और 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। दोस्तों ऑक्टाकोर के साथ में आती है। इसके अलावा फ़ोन आता है सिंगल वेरिएंट में, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और दोस्तों यहाँ पे आपको नैनो कार्ड स्लॉट का सपोर्ट मिलता है जिसके थ्रू आप इंटरनल स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हो कार्ड स्लॉट की मदद से। उसके अलावा यहाँ पे 4 कैमरा सेटअप मिलता है आपको बैक साइड में और सिंगल कैमरा आपको फ्रंट पर मिलता है। 48 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन आपको बैक साइड में मिलता है। यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड वगैरह और यहाँ पे वाइड लेंसेज ये हैं। दोस्तों अगर हम एपिचर की बात करते हैं तो यहाँ पे f1.8, f2.2, f2.4 और f2.4 एपिचर आपको इन चारों ही सेंसर्स के मिलते हैं। तो बैक कैमरे की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है इस 48 मेगापिक्सल के मेन कैमरे के साथ में। उसके अलावा बात करें अगर सेल्फी की तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है दोस्तों और एपिचर है f2.0। तो ओवरऑल अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो इतने अच्छे नंबर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, तो क्वालिटी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं कुछ और फीचर्स की तो यहाँ पे आपको USB टाइप सी हो गया, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, ब्लूटूथ 5.0 हो गया, डुअल बैंड वाईफाई हो गया, मल्टीपल नेविगेशन टेक्नोलॉजीज़ का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 3.5 mAh हेडफोन जैक मिसिंग है। दोस्तों अगर हम बैटरी देखें तो यहाँ पे आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 40W के क्विक चार्जर के साथ में आती है और दोस्तों यहाँ पे जो फ़ोन चार्ज होगा 30 मिनट में होगा ये लगभग 85% के आसपास चार्ज, तो आपको लगभग फुल चार्ज करने में इसको 40 to 45 minutes। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे 3 कलर में कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, ब्लैक, पर्पल और ग्रीन, और प्राइसिंग इसकी काफ़ी कमाल की रखी हुई है। साथ ही अगर ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो यहाँ पे EMUI 9.1 बेस एंड्रॉयड पाई का आपको सपोर्ट मिल रहा है इस फ़ोन पे और इसकी प्राइसिंग है 2999 चाइनीज़ युआन। दोस्तों यहाँ पे अगर इंडियन रुपीज़ में हम सेम प्राइस को कन्वर्ट करते हैं तो प्राइसिंग कहीं निकल के आती है 30,300 रुपये के आसपास। तो ओवरऑल फीचर अच्छे हैं, डिज़ाइन अच्छा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल रहा है, बैटरी की जो चार्जिंग है वो काफ़ी अच्छी है और सबसे खास बात यहाँ पे आपको लेटेस्ट चिपसेट मिल रहा है जो कि यहाँ पे अभी एंटूतु स्कोर भी नहीं दिखा रहा है। दोस्तों तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ोन है, देखते हैं कि इंडियन मार्केट में कंपनी किस प्राइस में लॉन्च करती है और कब इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है। अभी चाइनीज़ मार्केट में ये लॉन्च हुआ है दोस्तों। तो बस यही सारी हैं डिटेल्स इस Huawei Nova 5 के बारे में। आप ज़रूर नीचे कॉमेंट में बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। दोस्तों थैंक यू so much for watching.